जुनेद हत्या मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान क्या हुआ इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सबरवाल, इनसे जानते हैं। जी सबरवाल जी, इस मामले में जी कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। तो उस मामले में मानयोग हाई कोर्ट पे सुनवाई हुई तो उन्होंने तो हमने हरियाणा सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि जो पिटीशनर कंप्लेनेंट है इन्होंने एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं लिया। जो एफआईआर है अननेम्ड पर्संस के खिलाफ रजिस्टर हुई थी तो पुलिस ने उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करी और जो रियल कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ा। टोटल इसमें 6 अक्यूज्ड हैं, 2 के ऊपर अब ट्रायल कोर्ट ने 302 का चार्ज लगाया है, बाकियों के ऊपर 298, 323 और 341 का चार्ज है। तो हमने मानयोग हाईकोर्ट के आगे अपना सरकार का पक्ष रखा है कि कंप्लेनेंट ने कभी भी, अब 23 अक्टूबर 2017 को ये पिटीशन मानयोग हाईकोर्ट में फाइल करी है, इससे पहले कभी भी उसने किसी सीनियर ऑफिसर को या उन्होंने कभी किसी कोर्ट में आकर ये नहीं कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब जबकि टोटल 45 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में से जो 5 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं वो एग्जामिन हो चुके हैं और अगली सुनवाई के लिए 3 तरीके ट्रायल कोर्ट ने दिए, 6, 7 और 8 नवंबर, जिसके लिए 15 और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को समन किया गया है। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसकी अब सुनवाई ट्यूजडे के लिए एडजर्न कर दिया है केस को और हमें 3 दिन का टाइम दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, जो हम मंडे को रिप्लाई फाइल करेंगे। सबरवाल जी, ये पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला था जी कि जो ये कंप्लेनेंट है इसके बेटे की वहां ट्रेन में कोई सीट के चक्कर में झड़प हो गई जिस कारण उसकी डेथ हो गई। तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करी गई है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ चलान कोर्ट में चला गया है। अब जो मामला है ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो ये पिटीशनर जो कंप्लेनेंट का केस है कि जी सही सेक्शन नहीं लगे या किसी को अक्यूज छोड़ दिया गया है, ये इट इज एन आफ्टर थॉट, क्योंकि कंप्लेनेंट ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को पकड़ा है, 302 का चार्ज लगा, 2 मेन अक्यूज में, बाकी 3 और भी अक्यूज हैं। तो उसमें ट्रायल कोर्ट के पास पूरी पावर है, अगर कोई एविडेंस और ट्रायल कोर्ट के आगे आता है तो ट्रायल कोर्ट कभी भी चार्ज को ऑल्टर कर सकती है और किसी भी अक्यूज को एज एडिशनल अक्यूज समन कर सकती है। तो बाकी जो भी मैटर, अब हम अपना मंगलवार को सरकार का पक्ष रखेंगे जी कोर्ट के आगे। सबरवाल जी, डबल एजी नवीन कौशिक को भी इस मामले में इस्तीफा देना पड़ा है, क्या वजह रही? देखो नवीन कौशिक जी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, उनकी कोई वहां पे वो गए थे, अब वो उनका पर्सनल एक्वेंटेंस हो क्यों से, देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल जी ने उनका जो इस्तीफा है उसको रिकमेंड करके भेज दिया फॉर एक्सेप्टेंस टू दी होम सेक्रेटरी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सबरवाल। इनका कहना है कि जुनैद हत्या मामले में अब सुनवाई 6 नवंबर को होगी, जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज चंडीगढ़।